हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं प्रेस्टीज ड्यूलेक्स अल्फा कुकर की, जो कि खासकर जाना जाता है अपनी गैस स्टोव के लिए और इंडक्शन बेस्ड दोनों के लिए। तो आज हम जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ड्यूलेक्स अल्फा कुकर की, जिस जो कि मेरे पास जो मॉडल है इस टाइम वो 3.5 लीटर का है और ये इस टाइप से आपको मिलता है। इसको मैंने बाय किया है अमेज़ॉन से और इसकी प्राइसिंग जो है 2980 की है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हो तो ये आपको कम का पड़ जाता है, थोड़ा सा कम का जो है आपको पड़ जाता है। तो जैसे आपके पास इस टाइप का आपको बॉक्स मिलता है, इसमें आपको मिलता है इस टाइप से इसका एक कैप, और ये आपको मिलता है कुकर, और इसके साथ आपको मिलती है एक मैनुअल, और ये मिलता है आपको विसल। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। ये आपको मिलेगा इसमें इसके साथ एक विसल और एक मैनुअल। यह होता है आपका कुकर, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसकी कोटिंग अंदर से भी स्टेनलेस स्टील की है और बाहर से भी ये स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ आता है इसका कैप, जो कि इसको भी स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। ये वीडियो मैं आपको 2-3 दिन इसको यूज़ करने के बाद आपको बता रही हूँ इसका रिव्यू कि ये मुझे कैसा लगा है। तो इसके ऊपर आप इस तरीके से फिसल को सेट कर देते हैं। अगर आप इसको इसका कैप अगर आप लगाते हैं तो आपको इस तरीके से इसे लगाना होता है। आगे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एक जस्ट एक स्लाइड करना है और इसका ये आपको मिल जाएगा, ये आपका ऐसे ही लॉक हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत ही बाकी जो पहले के कुकर आते थे उनसे काफ़ी अलग बनाया गया है, और ये एक ISI सर्टिफाइड भी है। इस पे ISI का मार्क भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ आपको एक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक आपको ये दिया हुआ है, और ये आपका विसल है। सबसे अच्छी मुझे इसकी डिज़ाइनिंग लगी है, जो कि यहाँ पे हैंडल भी इसको दे रखा है ताकि आपको ये इजीली आप इसे कैरी कर सके। और यहाँ जो आप इसकी कैप में डिज़ाइनिंग देख रहे हो, ये डिज़ाइनिंग इसको इसलिए दी गई है ताकि इसके अंदर से जो भी स्टार्ची वाटर आप ये रिलीज़ होता है वो यहीं पे रहे, वो आपके गैस स्टोव में या आपके इंडक्शन में ना जाए और आप उसको ख़राब ना करे। और इसके नीचे जो इसका बेस दे रखा है ये भी पूरा स्टेनलेस स्टील का दे रखा है, और ये इंडक्शन प्लस गैस स्टोव जो है उस दोनों के लिए ये वाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इन दोनों पर ही इसको यूज़ कर सकते हो। तो आइए इसकी कुछ फीचर्स के बारे में मैं बात कर लेते हैं। जैसे आप इसे खोलते हो तो इसके अंदर की कोटिंग भी जो है वो पूरी स्टेनलेस स्टील की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो कुकर होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते जैसे कि जितना कि स्टील के माने जाते हैं। और इसमें जो आप खाना बनाते हो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये वाला जो कुकर मैंने लिया है ये 3.5 लीटर का लिया है। इसके साथ आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, और इस पे इसके साथ आपको ISI मार्क भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो लॉक सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इजी सिस्टम है कि आप इसको इस तरीके से रखेंगे और काफ़ी इजीली ये लॉक हो जाता है, जिसके साथ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। इसका जो वेट है वो 3.8 पाउंड है, लगभग 1723 ग्राम के आसपास है। काफ़ी यूनिक प्रेशर कुकर है, और इसकी जो आप विसल देखेंगे वो पहले के कुकर के मुकाबले काफ़ी उसकी साउंड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल साउंड है, जो कि इस वाले कुकर में मुझे देखने को मिली है। और आप इसमें अगर आपकी पीपल की जो कैपेसिटी है वो 4-5 लोगों के लिए है बनाना आप ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से कुकर 3.5 लीटर का बेटर बिल्कुल सही रहेगा। और इसके अलावा भी इसमें कई सारी जो फीचर हैं
वो मुझे देखने को मिले हैं। जब मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ जब तक, तो इसकी रेटिंग अभी तक 13,853 है। आप इसके बाद देखेंगे तो हो सकता है इसकी रेटिंग ज़्यादा बढ़ जाए, पर क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर कुकर लगा और प्रेस्टीज का तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है, तो मुझे ये कुकर जब मैंने इसको यूज़ किया है उसके बाद भी ये कुकर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हो कि इसमें जो स्टील यूज़ करी गई है वो 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की यूज़ करी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी स्टील में माना जाता है। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह से आप इसे बाय कर सकते हो, पर जो आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है ऑनलाइन, उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन उस लिंक पे जाके आपको मिल जाएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने अपना रिव्यू इस कुकर के बारे में आपको शेयर किया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी आने वाली गैजेट्स के रिव्यू के लिए और अनबॉक्सिंग की वीडियो के लिए, अगर आप किसी और प्रोडक्ट की वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि हम उसका भी रिव्यू इस चैनल पर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।